कमिंग टू दिस वर्ल्ड। बहुत मुश्किल है कि हम दूसरों को कंट्रोल करें और ये दूसरों से कहें दैट यू नीड टू थिंक पॉजिटिव। यू कांट कंट्रोल एनीवन। मगर हम इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं? क्या हम अपनी सोचों के, अपने ख्यालात के रुख को तब्दील करके, मसलन कोई भी हमारी ज़िंदगी में सिचुएशन आती है, कोई भी शख्स हमारी ज़िंदगी में कोई नामुनासिब बात करता है, आपको हर्ट करने के लिए कोई बात करता है, उसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हो गई या हो गया, उसने मुझे कहा कि मैंने अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए तो मेरा मूड ख़राब हो गया एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कॉन्शियस। ठीक है, आई बिकेम वेरी कॉन्शियस। तो इसका मतलब ये है कि हम अपनी ज़िंदगी की में महसूस करने वाली हर चीज़ का कंट्रोल जो है वो लोगों को दे देते हैं। एज आई ऑलवेज टॉक अबाउट गिविंग द रिमोट कंट्रोल इन अदर्स हैंड्स। मेरे नेबर्स में अगर कोई मुश्किल आ गई है, कोई प्रॉब्लम आई है और एट द सेम टाइम मेरे घर में प्रॉब्लम भी है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी दो घरों में आग लग गई है, आपके घर में या आपके साथ वालों के घर में, इकट्ठे कुछ इस तरह से हुआ है, व्हाट आर यू गोइंग टू डू? जब हम प्लेन में भी बैठे होते हैं तो क्या बात कही जाती है कि अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो सबसे पहले ऑक्सीजन मास्क जब नीचे आएंगे तो सबसे पहले आपने अपने मास्क को फिट इन करना है। यू हैव टू स्टार्ट ब्रीदिंग राइट। उसके बाद आप अपने बच्चों, अपने बुज़ुर्गों और अपने साथ जो मौजूद लोग हैं उनको हेल्प आउट करेंगे। सिमिलरली इफ़ वी वॉन्ट टू मेक आर होम्स हेवन ऑन दिस अर्थ, वट डू वी नीड टू डू? सबसे पहली और बेसिक चीज़ यह है कि हमें अपनी सोचों को कंट्रोल में करना है। हमें लोगों को पिन पॉइंट नहीं करना, हमें लोगों को की तरफ उंगली का इशारा करके नहीं कहना आपने क्योंकि मुझे ये कहा इस वजह से मेरा जहन और मेरे ख्यालात जो हैं वो नेगेटिव हो गए। इफ़ यू डू दैट, दैट मीन्स यू नीड टू वर्क अ लॉट ऑन योर सेल्फ। दैट मीन्स बिकॉज ऑफ अदर पीपल यू विल नॉट बी एबल टू लिव इन दिस वर्ल्ड और यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट योर हेवन। हमारा मकसद क्या है? हमें अपनी हेवन क्रिएट करनी है और अगर हमें अपनी हेवन क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें अपनी सोचों का ख्याल रखना है। हम जब अपनी सोचों का ख्याल रखेंगे तो हमारी फीलिंग्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक रहेंगी। जब हम फील अच्छा करेंगे तो हम अपने अल्फाज के ऊपर कंट्रोल कर सकेंगे, हमारे अल्फाज बेहतरीन निकलेंगे, हमारे एक्ट्स जो होते हैं वो हमारी सोचों के ऊपर सारा का सारा उसका दारोमदार होता है। हमारे एक्ट्स बेहतरीन होंगे और जब हमारी सोचें, फीलिंग्स, वर्ड्स और एक्शंस अलाइन हो जाएंगे तो फिर हम और कुछ नहीं तो टू स्टार्ट विद वी विल मेक आर होम्स हेवन ऑन दिस अर्थ।